हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम देखेंगे हाउ टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, हाउ टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो देखते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं? ये है रेजिस्टर R1, ये तो हमें पता है, सिंबल ऑफ रेजिस्टर इस तरह से होता है। हमने लिया है रजिस्टर R2 एंड रजिस्टर R3। हमने कितने रजिस्टर्स लिया है? 3, R1, R2 एंड R3। हमें इनको कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस तरह से करना है? देखिए, R1 एंड R2 कनेक्ट कर दिए। इसको कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड, वन आफ्टर, एक के बाद दूसरा। अब R3 भी कनेक्ट करेंगे लाइक R1 एंड R2। तो R1, R2 एंड R3 को हमने X एंड Y बिटवीन दीज टू पॉइंट R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। इसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया है वन आफ्टर। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शंस, एंड टू एंड वन आफ्टर। सो दीज थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड टू एंड वन आफ्टर, दिस कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। तो हम डेफिनेशन कैसे करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की? टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर सच दैट The electric current in each register remains same when the potential difference applied across the combination. Connection कैसे किया है? End to end one after. इससे क्या होगा? जो current flow होगा, the electric current flowing through R1, R2 and R3 is same. इससे जाने वाला current same होगा। अगर हम इसको हर एक रजिस्टर को एमीटर कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलने वाला करंट सेम मिलेगा। कब? व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2 एंड R3 इज सेम। सो ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। अब सर्किट कैसे बनाते हैं? इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करना है। व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई देन करंट पासेस थ्रू R1, R2 एंड R3 इज सेम। सो दीज आर द कनेक्शंस। हमने एक सेल कनेक्ट किया है, एक की यूज की है टू स्टॉप द करंट और टू फ्लो करंट थ्रू द सर्किट। तो ये जो है इसको कहते हैं सर्किट। इसमें एक चीज याद रखना है, जब हम की क्लोज दिखाते हैं इट मीन सर्किट क्लोज, द करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें करंट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही दिखानी है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन दिस सर्किट R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। सो इसमें जो करंट जा रहा है इन R1 क्या आएगा? I, R2 से जाने वाला करंट I, R3 से जाने वाला करंट I। इट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दी R1, R2 एंड R3 इज I, इट मीन्स द करंट इज सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा V1, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर वन आएगा वी वन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर टू आएगा वी टू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर थ्री आएगा वी थ्री. सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर वन इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर टू इज डिफरेंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर थ्री इज डिफरेंट. सो ईच रजिस्टर हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस. आर वन का पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन, आर टू का पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर थ्री इज वी थ्री. लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी बिटवीन एक्स एंड वाई. सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने तीन रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं आर वन आर टू आर थ्री इन सीरीज कॉम्बिनेशन. एमीटर का यूज किया है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. वोल्टमीटर का यूज किया है मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. हमने यहाँ पे तीन वोल्टमीटर अलग अलग कनेक्ट किया है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री. चलो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है. इसमें इस सर्किट डायग्राम में कॉमन क्या है, हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक करंट. डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिला. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर वन डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर टू डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर थ्री डिफरेंट है. सो कॉमन है इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज कॉमन. डिफरेंट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर. सो हमने अभी जैसे देखा था आई इज अ कॉमन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आर वन आर टू आर थ्री इज अ कॉमन. सो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इट इज कॉमन. वी क्या है, वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. यह है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. हमने अभी देखा है कि वी वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर वन, वी टू इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर टू, एंड वी थ्री इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर थ्री, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. सो वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन आर टू आर थ्री इज वी वन वी टू एंड वी थ्री रिस्पेक्टिवली. आर वन का पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन, आर टू का पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू, एंड आर थ्री का पोटेंशियल डिफरेंस है वी थ्री. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर वन वी वन प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर टू वी टू प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर थ्री वी थ्री. सो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. हमें मिला इक्वेशन नंबर वन बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है, वी बाय आई इक्वल टू आर. वी इक्वल टू क्या आएगा, वी इक्वल टू आई आर. यह है ओम्स लॉ. वी वन इक्वल टू आएगा आई आर वन बिकॉज आई इज अ कॉमन. वी टू इक्वल टू आएगा आई आर टू, एंड वी थ्री इक्वल टू आएगा आई आर थ्री. सो वी वन का वैल्यू हमें मिला बाय ओम्स लॉ, वी टू का वैल्यू मिला, वी थ्री का वैल्यू मिला. वी इक्वल टू तो हमने देखा था आई आर, वी इक्वल टू आई आर. हमने यहां लिखा है आई आर एस. व्हाट इज एस, एस शोज दैट दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. एस इज अ सीरीज. सो वी इक्वल टू आई आर एस. अब हमें जो वैल्यूज मिले थी वो वैल्यूज हमें डालनी है इक्वेशन नंबर वन. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन वन क्या मिला था हमें, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. अब v की वैल्यू उसमें डालो, v1 की v2 की v3 की वैल्यू हमें इसमें डालनी है जो हमें मिली थी बाय ओम्स लॉ. v इक्वल टू आई आर एस. यस हमने देखा था इट शोज सीरीज कॉम्बिनेशन. इक्वल टू v1 की वैल्यू है आई आर वन,
प्लस वी टू की वैल्यू है आई आर टू प्लस वी थ्री की वैल्यू है आई आर थ्री। इसके आगे क्या मिलेगा, आई आर एस इक्वल टू आई कॉमन इन ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि इसमें कॉमन है इलेक्ट्रिक करंट। तो बोथ साइड आई जो है कॉमन है वो कैंसल हो जाएगा। फाइनली वी गेट आर एस इक्वल टू आर इज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। टोटल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो हमें इक्वेशन मिला आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यह है इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट किए थे इसलिए हमें मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हम तीन से ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आर एस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन नंबर ऑफ, ये हमें मिलेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इट मींस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, दैट इज आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Properties of series combination. The same current flow through each resistor. इसमें जो current flow होगा वो हर एक रेजिस्टर में सेम होगा। The effective resistance जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, effective resistance of the resistor is equal to the sum of their individual resistance. मतलब RS equal to R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है। जो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है वो होता है द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें इस कॉम्बिनेशन में हमने देखा था वो कैसा था, डिफरेंट था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट is equal to the sum of the potential difference across individual resistors equal to potential difference of R1 plus potential difference of R2 plus potential difference of R3. So we get V equal to V1 plus V2 plus V3. So potential difference different होता है and current जो flow होता है through each resistor is same. The effective resistance जो मिला है हमें क्या मिला है, आर एस इक्वल टू, कैसे मिला है, इक्वल टू सम ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो आर का वैल्यू आर वन से बड़ा होगा, आर टू से बड़ा होगा, आर थ्री से बड़ा होगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे आर एस इज ग्रेटर देन आर वन, आर एस इज ग्रेटर देन आर टू एंड आर एस इज ग्रेटर देन आर थ्री। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बड़ा होगा, ग्रेटर होगा देन आर वन देन आर टू एंड आर थ्री। द अरेंजमेंट, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं पैरेलल कनेक्शंस कैसे करते हैं। आर वन आर टू आर थ्री, यह थ्री रेजिस्टर्स, इसको हमें कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, R1, R2 एंड R3। अब ये तीनों को हमें कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब दिस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड बिटवीन दोज टू पॉइंट्स X एंड Y इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक दूसरे से पैरेलल है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। यहाँ पे ये एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या करेंगे, टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अदर कॉमन पॉइंट सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन सेम एंड इक्वल टू द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या किया है, वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, अदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉमन फॉर R1, R2 एंड R3। सो इस कनेक्शन में हमें समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है फॉर R1, R2 एंड R3। सो यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट, अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट। The potential difference provided between those two points is common for R1, R2 and R3. तो ये है हमारा parallel combination. Parallel combination में हम जो circuit बनाते हैं, हम देखते हैं simple circuit कैसे बनाते हैं. So this X and Y, these two points are connected with a battery and key. तो ये है सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दीज थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड टू द सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैटरी प्रोवाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। की का यूज हम करते हैं टू स्टॉप द करंट और टू फ्लो करंट, उसको हम कहते हैं ओपन द सर्किट एंड क्लोज द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एमीटर का यूज हम करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो यह है सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू दिस सर्किट, टोटल करंट क्या है, I। अब R1 से जाने वाला करंट क्या होगा, R1 से जाने वाला करंट होगा I1, R2 से जाने वाला करंट I2 एंड R3 से जाने वाला करंट I3। ये होगा डिफरेंट, द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। सो फॉर R1 करंट I1, फॉर R2 I2 एंड फॉर R3 I3। तो हमें ये समझ में आ गया कि इसमें कॉमन क्या है एंड डिफरेंट क्या है। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस बिटवीन X एंड Y इज कॉमन। डिफरेंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R1 R2 एंड R3 डिफरेंट था। कॉमन हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज V, इट इज कॉमन फॉर R1, R2 एंड R3। यह हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हमने एमीटर अलग अलग से कनेक्ट किया है फॉर R1, R2 एंड R3, क्योंकि हमें पता है R1 से जाने वाला करंट अलग है, R2 से जाने वाला करंट अलग है, R3 से जाने वाला करंट अलग है। टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू R1
हमने अलग से एमिटर कनेक्ट किया टू मेजर करंट थ्रू आर टू, हमने अलग से एमिटर कनेक्ट किया। तो ये अलग अलग हमने इसलिए कनेक्ट किया कि हमें उसमें से जाने वाला करंट अलग अलग मिलेगा और वो हम उससे रिकॉर्ड कर सके। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड एमीटर्स आर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ईच रेजिस्टर। तो ये है हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने देखा था कॉमन क्या था, कॉमन था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सो कॉमन इज अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है करंट पासिंग थ्रू आर वन, करंट पासिंग थ्रू आर टू एंड करंट पासिंग थ्रू आर थ्री आर डिफरेंट। सो इलेक्ट्रिक करंट आई ऑफ ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, फॉर आर वन आई वन, फॉर आर टू आई टू एंड फॉर आर थ्री आई थ्री। सो वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था बैटरी का यूज करके, वो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, जो हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर में। आई बी द टोटल करंट इन द सर्किट, आई क्या है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आर पी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पी क्या करता है, पी शोज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हमने सीरीज में देखा था एस क्या था, सीरीज। पी इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर पी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज आर पी। इफ आई वन इज अ करंट पासिंग थ्रू आर वन, आई टू इज अ करंट पासिंग थ्रू आर टू एंड आई थ्री इज अ करंट पासिंग थ्रू आर थ्री, देन द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। टोटल करंट है आई, जो हमें मिलता है सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। सो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स विल बी इक्वल, बिकॉज ऑल दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। तो वी इज अ कॉमन, सो पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, वी बाय आर इक्वल टू आर। सो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन नंबर वन मिला था आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये वैल्यूज हमें आई इक्वल टू कैलकुलेट करनी है। सो आई वन इक्वल टू क्या आएगा, वी बाय आर वन। आई टू इक्वल टू क्या आएगा, वी बाय आर टू। एंड आई थ्री इक्वल टू आएगा वी बाय आर थ्री। आई इक्वल टू आएगा वी बाय आर। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है, ये वैल्यूज को हमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर वन में। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इन इक्वेशन नंबर वन, द वैल्यूज ऑफ आई वन आई टू आई थ्री। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर वन, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, वी बाय आर इज अ वैल्यू ऑफ आई। पी शोज पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू आई वन का वैल्यू आएगा वी बाय आर वन, प्लस आई टू का वैल्यू आएगा वी बाय आर टू, प्लस आई थ्री का वैल्यू आएगा वी बाय आर थ्री। आगे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, वी बाय आर पी इक्वल टू वी इन ब्रैकेट वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। मैथमेटिकली वी इज अ कॉमन, सो वी विल बी कैंसल्ड। वन बाय आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, ये हमें मिला
इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम तीन से ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस नंबर ऑफ 1/RN। दिस आवर फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें ये इक्वेशन फॉलो करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नंबर वन, द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/RP ये इक्वल होगा सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नंबर टू, द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड इंडिविजुअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। करंट कैसा होगा, प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर, दैट इज I इज द टोटल करंट 1/R1 प्लस I2 इक्वल टू 1/R2, I3 इक्वल टू 1/R3। सो करंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। सो I1 इक्वल टू 1/R1, I2 इक्वल टू 1/R2 एंड I3 इक्वल टू 1/R3। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज द टोटल करंट इन द सर्किट इज द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। नंबर थ्री, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज द सेम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1 इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R2 इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R3 इज सेम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इज लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज RP इज स्मॉलर देन R1, RP इज स्मॉलर देन R2 एंड RP इज स्मॉलर देन R3। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। एंड लास्ट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दिस इज द यूज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह का अरेंजमेंट सर्किट में रेजिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। जो हम डोमेस्टिक सर्किट देखते हैं हमारे घर में, यहाँ पे जो कनेक्शंस होते हैं वो सब पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन।